Screenshot, Avenue. नो सर, अभी भी नहीं हो रही। चलो अब जो हो रही है अभी, अब हो रही है क्या? नहीं शो, मुझे तो शो हो रहा है कि जब तक लोड शुरू हो हो रही है रहा सर, लोड हो रही है। हाँ है। ठीक है, लेकर आना चाह रहा हूँ। चैप्टर मुझसे शुरू सर, करना। आपकी आवाज बहुत कम हो रही है। मैं अभी आस्था बोल रहा हूँ, जब मैं कोई बात करने लगूंगा ना, मैं अब ठीक है, मैं जरा बोला आस्था था। नहीं जी, हमारे पास चैप्टर 2 है, अब आवाज़ ठीक हुई क्योंकि इस इश्यू का मेरा तो। सर हाँ, ठीक। वो अगर मेरी अपनी वो टून का तो फर्क हो सकता है, लेकिन अगर कोई इशू हो तो मैं चेक कर लूँ अपना हैंड फ्री वगैरह। अच्छा जी, चैप्टर 2 में शुरू में उसने रूल्स बताए हैं एब्स्ट्रैक्शन का, पॉलीमॉर्फिज्म का, इनहेरिटेंस का, इनकैप्सुलेशन का। वो तो आप बेशक ना देखें क्योंकि आप लोगों को C++ ऊप में आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़े ही हुए हैं, और मेरे माइंड में है कि मैं ऐसा चीज़ के बारे में नहीं पूछूंगा क्विज में से। फर्स्ट सिंपल प्रोग्राम से शुरू करते हैं हम लोग, और वो सारी चीज़ें जो कि आप लोग प्रैक्टिकल कर चुके हैं। सॉरी, इससे पहले एक बात जो मैं करना चाह रहा था, आई विश टू अप्रिशिएट यू पीपल। मैंने असाइनमेंट्स के हवाले से जो मेरी स्पिरिट मैं चाह रहा था वो माशाल्लाह आप लोगों ने दिखाई। मैं यही चाह रहा था कि सब बच्चे खुद से करें, एटलीस्ट आप लोगों के बैच के ए और बी दोनों सेक्शंस के बच्चों ने बहुत अच्छी स्पिरिट दिखाई। और मैं ढूंढता रहा, किसी बहुत ज़्यादा ढूंढने से मिल भी जाती शायद मुझे कहीं पर कोई सिमिलैरिटी। मैं ये तो नहीं क्लेम कर सकता कि सब बच्चों ने खुद से बनाई, ये तो नेचुरली होता भी नहीं। ऑब्वियसली कॉपी पेस्ट कहीं ना कहीं बच्चे कुछ स्टूडेंट्स करती हैं, इतनी बड़ी क्लास हो तो कहीं ना कहीं होता है, लेकिन अक्सर बच्चों की मुझे अपने अलहदा अलहदा ही नज़र आई, अक्सर बच्चों की अलहदा अलहदा असाइनमेंट नज़र आई। तो ये मेरी बहुत हौसला अफजा बात थी कि इतने स्टूडेंट्स हैं जो कि मतलब विद इन फर्स्ट वीक एक मुश्किल टूल एंड टेक्नोलॉजी था उसको उसने उनने न सिर्फ अंडरस्टैंड कर लिया बल्कि उसको उसके ऊपर प्रोग्राम भी बनाए, 16 प्रोग्राम्स बनाए। तो साथ साथ बच्चे क्यूरीज करते रहे, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। जो बच्चा काम कर रहा था वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पूछता है। बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों का, शाबाश, कीप इट अप। अप्रिसिएशन करने का पर्पज़ होता है कि बंदे को अपनी पॉजिटिव चीज़ का पता लगता है तो उसको मजीद इन्हांस करता है। शाबाश, असाइनमेंट 1 बहुत अच्छी रही आप लोगों की। कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से ऑब्वियसली रहता है, एक कुछ असाइनमेंट मुझे बिल्कुल सेम मिली है, ज़्यादातर वो 17 बैच के बच्चों की असाइनमेंट्स में बिल्कुल सेम मिली है। वो साफ पता लग जाता है जब कंपाइल हुआ हुआ प्रोग्राम होता है ना, तो उसके अंदर पाथ आ रहा होता है पूरा का पूरा, तो उसमें साफ एक ही जैसा पाथ, एक ही कंप्यूटर का पता लग रहा है, वो जो कंप्यूटर का नहीं होता है। मैं शो नहीं करता आप सबके सामने, लेकिन जैके पता लग जाता है। तो वो भी कोशिश करें कि आइंदा से असाइनमेंट जाना खुद से करें। इस दफ़ा तो मैं मार्क्स लगा देता हूँ, जिस जिसने भी सबमिट करवाई है मैं उसके मार्क्स लगा देता हूँ, ठीक है? तो आइंदा से प्लीज़ काइंडली खुद करनी है। मैं आइंदा से मैं स्ट्रिक्टली चेक करूँगा कि अपनी आप लोगों की असाइनमेंट हो। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे आप लोगों के क्विज़ जो होना है, उसमें से आप लोग ये देख सकते हैं चैप्टर 2 इट्स वेरी वेरी इजी। आप लोग ये सब कुछ कर चुके हैं, प्रैक्टिकली कर चुके हैं, अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये ऐसी कोई चीज़ें नहीं कि जिसको पेपर में हम लोगों ने मैंने देना है, चाहे क्विज़ में देना है। कुछ चीज़ें तो जस्ट आप लोगों को वैसे पता है, वर्डली आप लोगों ने देखना चाहे देख सकते हैं। हाँ, कहीं पर बाज़कत होते हैं कंसेप्ट सही हो जाते हैं हमारे, पढ़ने का ये फ़ायदा होता है, बाज़कत हमारे कंसेप्ट हमें पता तो होता है कि हम कर क्या रहे हैं लेकिन हम समझा नहीं पा सकते, उसके लिए अच्छा है, रीडिंग ज़रूर करनी चाहिए। ऐसे ही इसके बाद इसमें फॉर लूप, सारा सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। चैप्टर 3 में डेटा टाइप वेरिएबल और अरेज की, डेटा टाइप्स जो समरा बेटी बात कर रही थी ना, ये जो मैंने उसने आप लोगों को लिखवाई, मैंने बस थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दिया था, नाम सिर्फ लिखवा दिए थे। इसमें हर एक के बारे में तो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लॉटिंग में से फ्लॉट और डबल, फिर इसके बाद करेक्टर्स, और इसके बाद फिर बूलियंस, और इसके बाद फिर बस इतने ही, ठीक है? लिटरल्स क्या होते हैं, उस दिन काफ़ी डिटेल से बात हुई थी, लिटरल्स में और वेरिएबल्स में क्या फ़र्क है,
लिटरल्स के हवाले से भी वो बता देगा आप लोग, एज एन इंफॉर्मेशन ज़रूर आप लोग इसको पढ़िएगा। वेरिएबल्स की बात उसने कर दी, देन टाइप कन्वर्जन एंड कास्टिंग। कुछ बच्चे अगर अभी दोबारा उन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया तो दोबारा से बता दूँ ये क्या हो रहा है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप लोगों का क्विज़ है कमिंग वीक में, और उस क्विज़ का कोर्स क्या है चैप्टर 2 से चैप्टर 6 वो मैं आप लोगों के सामने फार्मली गुजार रहा हूँ। जस्ट ये एक रियलाइज़ करा रहा हूँ कि कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आप नहीं भी बहुत ज़्यादा ये रट्टा शट्टा मारने वाले चक्कर में नहीं पढ़ना आप लोगों ने, जस्ट एक ओवरव्यू गो थ्रू करते जाना है। जहाँ पर चीज़ आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे या जहाँ पर कोई नई चीज़ लगे उसको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आप लोगों की सेम। अब फॉर लूप में अब क्या क्या नया, इसमें कुछ भी नहीं है फॉर लूप में जाओ। हाँ अब नए कुछ थोड़ा सा 1.5 के बाद एक नई चीज़ आई थी, लेकिन वो इसमें नहीं है, मेंशन नहीं है इसमें, वो थी रेस के ऊपर लगाने के लिए, लेकिन इसमें वो मेंशन नहीं है। तो इसमें बिल्कुल वही चीज़ है जो C++ वाली आप लोग पहले सेमेस्टर से पा रहे हैं। ऑपरेटर्स के हवाले से, ऑपरेटर्स के हवाले से ये बताना था कि आप लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को ज़रूर देखिएगा, और उसके बाद रिलेशनल आते हैं उसको भी देखिएगा। बिट वाइज को छोड़ दें, बिट वाइज ऑपरेटर को छोड़ दें, ये आप लोग को मुश्किल भी लगेगा, कन्फ्यूज़ भी करेगा। कभी इस्तेमाल मैंने आज तक बिट वाइज ऑपरेटर का देखा नहीं है, बस इस बुक के अंदर ही मैंने देखा, तो इसको आप छोड़ दें। बस ये बताने के लिए मैंने बेसिकली ये किया था, बिट वाइज ऑपरेटर को नहीं करना आप लोगों ने। और इसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर आप यस ही देखें, बिल्कुल ईजी, आप लोगों को सब कुछ आता ही है इसमें, कोई नथिंग एल्स न्यू। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर, ये इसको हम लोग कह सकते हैं, ये टर्नरी ऑपरेटर भी इसको कहते हैं, देख लीजिएगा कोई एसेस नॉट इम्पॉर्टेंट। प्रेसिडेंस, ये पहले सेमेस्टर वाली चीज़ें सारी। कंट्रोल स्टेटमेंट्स, फॉर लूप, इफ एल्स, आप लोग देखिएगा, नोट कीजिएगा कि एज इट इज़ जो C++ में जावा में नोट सिंगल डिफरेंस, कोई डिफरेंस शायद कहीं पर कोई ढूंढने से कोई डिफरेंस मिल जाए कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर। स्विच के अंदर भी उसके अंदर C++ में इंट से छोटी टाइप हो सकती है, इंट से बड़ी टाइप नहीं हो सकती स्विच का जो कंडीशन होती है, इसके अंदर भी यही है। अच्छा जी, अब चैप्टर 6 जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये चैप्टर मैंने आप लोगों की नज़र से गुजार दिया, आप लोगों ने ईजी होके सिट बैक मोबाइल पर या लैपटॉप के ऊपर यहाँ अगर प्रिंट करा लें तो चैप्टर नंबर 5 नहीं 6 तक, 6 अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, 6 अभी पढ़ाने जा रहा हूँ आज और कल। सर क्विज़ किस तरह से होगा ये भी बता दें। अभी ना समझा, मैं खुद डिसाइड नहीं किया था, मेरे जहन में ये था कि मिक्स सा कर लें, कुछ उसमें थ्योरी थोड़ी सी डाल दी है, थ्योरी सार्ट ऑफ आइंदा से तो इतनी नीच हुआ करेगी, क्योंकि शुरू के हैं तो कुछ पूछा जा सकता है डेटा टाइप्स वगैरह के हवाले से, और वो कोई ऐसी कोई डीप बात इंशाल्लाह मैं नहीं पूछूंगा, वो ज़्यादा कोशिश करूँगा। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप बता देंगे और हम फाइल बना के अपलोड करके जिस तरह से हम लोगों ने पहले पेपर वगैरह किए हैं, PDF फाइल अपलोड करेंगे या LMS पे क्विज होगा? अच्छा, उसकी बात, वो बात समरा मैं अभी सोच रहा था, कल इवन आई वाज थिंकिंग कि मैं कोई ऐसा ये LMS के ऊपर लेने की कोशिश करूँगा, और इवन इन फ्यूचर या इसी क्विज में अगर पॉसिबल हो सके तो कुछ कोई फ्री ऐसा टूल मुझे मिल जाए ना ऑनलाइन क्विज़ के हवाले से, जो कि जिसमें आप लोगों को ऑनलाइन एडिटर हो और उसका कंट्रोल इस तरह का हो कि पता लग जाए हर बच्चा अपना कर रहा है, उस हवाले से मैं करूँगा, कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल तो अब ये समझें कि LMS के ऊपर ही होना है, फिलहाल ये समझें कि LMS के ऊपर ही होना है। ओके सर, ये वगैरह जी दोबारा पूछें सर, कोई प्रोग्राम वगैरह होंगे या थ्योरी में बारे में पूछेंगे? जी मैं वही बता रहे जा रहा था कि स्टार्ट ऑफ अभी आप अभी तक के लिए आप ये समझ लें, फाइनली ये मैं बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा, अभी तक के लिए ये समझ लें कि जैसे कि 10 नंबर की अगर थ्योरी हो जाए तो 20 नंबर के प्रोग्राम हो जाए, इस तरीके से डिवाइडेड होगा, अभी तक के लिए ये समझ लें, फिर जो फाइनली मैं बनाऊंगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। एक प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को एक चीज़ दिखानी थी, इंटरेस्टिंग सी गेम थी जावा की, जब मैं अपने ज़माने में करता था, मैंने कल देखा कि अभी तक इसकी वही है ना इस वेबसाइट उन लोगों ने वैसी रखी हुई है, आप लोग अभी तो नहीं मतलब इस वीक के एंड तक या अगले वीक तक आप लोग हम लोग वहाँ जहाँ तक पढ़ सकेंगे कि हम लोग ये गेम खेलिए, इंटरेस्टिंग गेम है, बारीक बैठ कर बंदा जिसको इंटरेस्ट हो जाए, मुझे तो इंटरेस्ट था तो मैं ये बैठ के करता रहता था, ये जो होता है कि अभी लोड हो जाती है।
इसमें ना लोड नहीं हो रही, इसमें एक बाड़ होती है और उसके अंदर ये गाय होती है, तो हर एक क्विज एक क्वेश्चन के आंसर देने के पर गाय जो है ना बाड़ में चली जाती है, वो गलत आंसर देने पर नहीं जाती। तो इस तरीके से हम लोग जितनी जितनी गायें हमारे पास बाढ़ के अंदर चली जाती हैं उतने हमारे क्वेश्चन ठीक होते हैं। तो इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन ईजी ईजी होते हैं। ये ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, एन एब्स्ट्रैक्शन क्लास, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव ए कंस्ट्रक्टर, नो। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे अच्छा गलत हो गया मेरा चलें तो जो सही होगा तो उसमें जो है ना वो गाय इसके अंदर चल जाएगी। ये आप लोग भी देखिएगा, इंटरेस्टिंग वैसे मैंने आपको बताना था। खैर जी, क्विज की बात होगी हमारी, और कोई क्वेश्चन क्विज के वाले से? ओके जी, अगला लेक्चर, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी, सर आपसे रिक्वेस्ट करनी थी सर कि जो हसैम डीन बैच ना सर, वो तो कुछ बच्चों ने आज ज्वाइन किया था, वो असाइनमेंट 1 की डेट एक्सटेंड कर देंगे। अच्छा, आप लोग ना 17 बैच वाले अलहदा से मुझे बात करें, पता क्या अब अगर बहुत अच्छा हो जाए कि अगर आप लोगों का अलहदा से ग्रुप बन जाए व्हाट्सएप का, अगर आप एक दूसरे को जानते हैं तो अलहदा ग्रुप बना लो, इस पर हम लोग आपको जानते हैं सारी बातें डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, अगर कोई और 16 के भी दो तीन बच्चों ने शायद कहा है उनको भी कांडी अपने साथ ग्रुप में सी आर से ले लेना, ग्रुप का वो ले लेना सी आर से, सॉरी मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लेना सी आर से, तो मैं आपको। यस सर, ठीक हो, ओके, थैंक यू सर। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर आपको कुछ डिटेल्स हैं पेपर्स के अबाउट, कि ऑनलाइन होंगे या यूनिवर्सिटी ओपन बुला के लेंगे हमसे? इसमें ना बच्चों की वैसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमेशा मैंने देखा है अथेंटिक में ऑब्जर्व किया, तो आप मुझे मुझे कोई इंफॉर्मेशन आप बताएं, आप बताएं आपने की क्या इंफॉर्मेशन है? सर हम सर, तो हम तो दोनों सुन रहे हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं और फिजिकल भी हो सकते हैं। ऑनलाइन हो जाए तो बच्चों को तो बड़ा फ़ायदा नहीं हो जाता उसमें? हमें भी ऑनलाइन का वैसे फ़ायदा हो जाता है क्योंकि ना वो सर पहले हम लोग क्लासेस में हमें इश्यूज होते हैं ना थोड़े बहुत, तो फिर ऑनलाइन में इतना फायदा तो बनता ही है हमारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली ऑनलाइन में स्टडी भी इतनी इफेक्टिव नहीं होती, तो पेपर भी फिर उस लिहाज से ऑनलाइन ही होने चाहिए, ये बात आपने अच्छी की। मैं ऑब्वियसली हमारे इख्तियार में तो नहीं है, लेकिन अगर मुझे ये रिकमेंड करें तो अगर मिड तक ये नई क्लासेज फिजिकल बुला सकते तो मिड का पेपर भी ऑनलाइन लिया जाए, और उसके बाद क्लासेज फिजिकल हो जाए तो पेपर भी फिजिकल हो जाए। आपको पता है डिसीजन, जो डिसीजन करने वाले हैं वो बेचारे खुद कंफ्यूज हैं, हालात अजीब से कभी फिर खबरें सुनने हमें आती हैं जिनके फिर आ रहा है कोरोना का वार और समथिंग, कुछ इस बारे में कोई किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी लेयर आ रही है कोरोना की, तो इसलिए अब ज्यादा एहतियात की जरूरत है। जी बिल्कुल, इस वजह से मैं कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर हम लोग ये करें कि अपॉर्चुनिटी जो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लें, हर चीज़ में हम लोग पॉजिटिव चीज़ ढूंढ सकते हैं, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेके हमारा एवरेज टाइम, लास्ट टाइम शायद आपसे बात की थी कि नहीं थी, एवरेजली मैंने कैलकुलेट किया था कि तकरीबन 1.5 आवर के इलाज का एक एवरेज बच्चे का बाद मिला, मतलब गुजरा वाला सियालकोट वाले बच्चों को तो मतलब 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं ट्रैवलिंग के, चलो गुजरात तो लगभग हाफ तो एवरेजली 1-1.5 घंटा पूरी क्लास का बच रहा है। उसके अलावा जो फटीक है, जो थकावट है, और उसके अलावा जब यूनिवर्सिटी हम लोग जाते हैं तो इस तरीके से हम लोग ईजीली नहीं पढ़ सकते, क्लास के टाइम के अलावा एक क्लास फर्स्ट टाइम है, एक क्लास आखिरी स्लॉट के अंदर है, तो दरमियान का टाइम हमारा ज़ाया हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम बच रहा है, इस टाइम को हम लोग पॉजिटिव लें और जो जो भी आप लोगों के कोर्सेज हैं ना, सिर्फ कोर्सेज बल्कि बियॉन्ड दी कोर्सेज, पहले स्टूडेंट का फेसबुक के पर देखा कि वो कोई इस तरह के कोई शार्ट कोर्सेज वाला था, कोई सीन ना होती है ना ये ऑनलाइन ही क्लाउड गूगल वालों का था, तो उसमें वो उसने बताई थी कि उसने बहुत से ट्विस्ट जिन कर लिए। खैर अब मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि अपनी इंटरेस्ट लेकर जावा के अंदर ले लें, और कोई कोर्स पढ़ें उसके अंदर ले लें, तो उसके अंदर ना आप लोग इसकी स्टडीज करें और एक्सेल टू गेन एक्सेल इन टेक्नोलॉजी यू लव जो हैव इंटरेस्ट,
कोशिश करें कि इस टाइम को यूटिलाइज करें, एटलीस्ट मैं अगर मेरिट के ऊपर मेरा मैं जो आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर वो करें ना उतना पढ़ें तो वही आपका अच्छा वाला टाइम तो उसी में लग जाएगा। तो इसको हम लोग पॉजिटिव ले और हम लोग इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं इस जो हम लोग ऑनलाइन जो स्टडी कर रहे हैं। नहीं जी, स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। अच्छा जी, कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन थी कि वो हर एक के लिए नई क्लास में आ रही थी ना, हर एक प्रोग्राम के लिए नई क्लास हर नया सॉरी प्रोजेक्ट बना रहे थे। तो एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सी क्लासेस बन सकती हैं। ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, इसकी मैंने क्लास बना ली एक और आज की। आज हम लोग ने पढ़ने टॉपिक का नाम है मेथड्स। बहुत इजी, ये भी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ती आए हैं। सी प्लस प्लस में हम लोग इनको फंक्शन कहते थे। C++ में हम लोग भी इनको फंक्शन कहते थे, वही चीज़ मेथड है। आप लोगों को ऊप के अंदर आप लोगों ने बहुत डिटेल्स की पढ़ ली, फर्स्ट सेमेस्टर में भी इन्होंने पढ़ा। जी मैंने क्लास बना ली है। आज के प्रोग्राम में मैं एक से ज़्यादा क्लासेज एक सोर्स फाइल में बनाऊँगा। आप लोगों की बुक की जो मेथड से पहले हम लोग क्लास से शुरू करते हैं। क्लास का नाम है माई मेथड रख लिया, लेकिन जो टॉपिक हम लोग क्लास पर जा रहे हैं। जी जी वो अच्छा जी, सी प्लस प्लस सॉरी जावा के अंदर किसी भी क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं और डेटा मेंबर्स होते हैं और सॉरी और मेथड इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं और मेथड्स होते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं? हमारे जो वेरिएबल क्लास के होते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो एक्सेस स्पेसिफायर जावा के अंदर एक और होता है। जैसे सी प्लस प्लस के अंदर तीन है ना, जावा के अंदर चार एक्सेस स्पेसिफायर है। एक चौथा है जिसका नाम है डिफॉल्ट। सी प्लस प्लस के अंदर अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता यहाँ पर तो उसको प्राइवेट समझा जाता है, लेकिन इसको अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता तो इसको प्राइवेट नहीं समझा जाएगा, बल्कि इसकी अपनी स्पेसिफिकेशन है कि ये कहाँ पर हो सकता है एक्सेस और कहाँ पर एक्सेस नहीं हो सकता, इसकी अपनी स्पेसिफिकेशन है। तो एक्सेस स्पेसिफिकेशन के हवाले से एक टेबल है चैप्टर 9 के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन उस टेबल में सोचा था आपको अगले से अगले लेक्चर में पढ़ाऊँ। अगले लेक्चर में हम लोग दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे इनहेरिटेंस वगैरह। अच्छा जी, ये आप लोगों की मैंने इंस्टेंस वेरिएबल बना दिए क्लास के। अभी मेथड की बात बाद में करते हैं, पहले वेरिएबल को देख लें फिर मेथड्स की बात करेंगे। क्लास के अब मैं एक दूसरी क्लास बनाई है। यहाँ पर एक बात याद रहे कि हमारी एक सोर्स फाइल के अंदर सिर्फ एक क्लास पब्लिक हो सकती है, एक क्लास पब्लिक हो सकती है। तो पब्लिक वो होती है जिसके अंदर मेन मेथड हो सकता है, जिसके अंदर मेन मेथड होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी, ऑब्वियसली मुझसे गलती हो जा करेगी। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब समरा ने बात की थी, आप लोग मुझे बता दिया करें कि मतलब आप लोगों का नाल आप लोगों ने ये सर्च किया ना, इसको मज़ीद अपने अपने नॉलेज को भी मैं वो कर लूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये प्रोसेस नॉलेज का ध्यान है, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आप लोगों की मैं स्टिल अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत अच्छी क्लास है जिसकी वजह से मुझे आज इवन मैं रिवाइज करके हूँ, वरना मैं इतना सा पुराना मतलब टीचर, लेकिन मुझे आज रिवाइज करना पड़ा क्योंकि मुझे पता था बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेकर तो वजह से सुनिए तुम आपको। अच्छा जी, पब्लिक स्टैटिक वाइड में हो गया जी। अब मैं ऑब्जेक्ट बनाने की बात करने लगा हूँ कि ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं। ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट रेफरेंस क्रिएट किया इसके अंदर ना, मैंने रेफरेंस क्रिएट किया। सी प्लस प्लस के अंदर बुक भी करें तो ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं बनता है बल्कि ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनता है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट हमेशा न्यू के कीवर्ड के जरिए बनता है, न्यू के कीवर्ड के जरिए। ऑब्जेक्ट हमेशा डायनेमिकली क्रिएट होता है, पी इज इक्वल टू न्यू। इसको हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बी क्या है? उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, यानी कि समझ लें कि उसका क्लास से हमारे पास एक टाइप होती है। हम लोगों को पता है कि क्लास से हमारे पास एक टाइप होती है, जैसे हमारे पास जो डेटा टाइप्स होती हैं इंट फ्लॉट वगैरह, ऐसे हमारे पास एक यूज़र की डिफाइंड क्लास जो है वो भी एक टाइप होती है।
तो वैसे जैसे उसका एक वेरिएबल मैंने बनाया था इंट का, जो जब मैं बना सकता हूँ इंट का वेरिएबल बना सकता हूँ, ऐसे मैं अपनी बनाई क्लास का भी एक वेरिएबल बना सकता हूँ। तो मैंने बुक बी बी मैंने उसका एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल को हम लोग रेफरेंस वेरिएबल भी कहते हैं, हम लोग रेफरेंस वेरिएबल भी कहते हैं, क्योंकि इसने रेफर करना है उस ऑब्जेक्ट को, इसने रेफरेंस रेफर करना है उस ऑब्जेक्ट को, ये दरअसल ऑब्जेक्ट नहीं है। ये बात उसे दोबारा करता हूँ। बुक बी पहली लाइन के अंदर मैंने क्या किया, क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, इस टाइप का अपनी जो मेरी क्लास है उसका एक मैंने रेफरेंस वेरिएबल बनाया, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये रेफरेंस वेरिएबल दिस कैन रेफर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है न्यू के कीवर्ड के जरिए, न्यू बुक। हम लोगों ने सी प्लस प्लस के अंदर भी न्यू का कीवर्ड देखा था, सी प्लस प्लस के अंदर अगर आप लोगों को याद हो तो न्यू का कीवर्ड डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन के लिए काम करता था, किसे यूज होता था, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट बनता ही हमेशा डायनेमिकली है, और ऑब्जेक्ट बनता कहाँ पर है ये हम लोग को पता ही होगा, ऑब्जेक्ट हीप के अंदर बनता है। हीप मेमोरी का एक वो एरिया है जिसको जो कि ग्रो और श्रिंक कर सकता है, जबकि स्टैक वो एरिया जो कि फिक्स होता है। खैर नहीं जी, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट के जरिए मैं किसी को भी डार्ट ऑपरेटर, मेम्बर एक्सेस ऑपरेटर, गेन सेम वही वाला जो सी प्लस प्लस वाला है, हाइट को मैं एक्सेस कर लिया। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं मेन के अंदर इसको एक्सेस कर सकता हूँ, जबकि सी में नहीं था एक्सेस कर सकता। बहुत इजी बातें शायद इस वजह से आप लोगों को लगे, कोई ऐसी नई बात नहीं, अगर समझ में आ रही तो इस वजह। जी दोबारा बोलो सर। आपने रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया है, इसको हम लोग किसी भी ऑपरेशन के अंदर जब वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते? बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये दो हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक जहाँ पर तो उसने वो दे दिया है कि एरर दे दी, कंपाइल टाइम एरर दे दिया कि वेरिएबल माइट हैव नॉट बीन इनिशियलाइज। किसी और वे से भी अगर करने की कोशिश करें तो होगा यूँ कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा, डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक रेफरेंस वेरिएबल है, इसके अंदर मेमोरी नहीं है, इसके जरिए मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, न्यू के जरिए मेमोरी एलोकेट होगी, न्यू और आगे से बुक। बुक क्या चीज़ है, बेसिकली कंस्ट्रक्टर है बुक का, कंस्ट्रक्टर की स्टोरी पता ही आप लोगों को कि अगर मैं अपना यूजर डिफाइंड ना बनाऊँ तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास बन जाता है। हाँ ऑल्दो के अपना एक कंस्ट्रक्टर भी आज के लेक्चर में हम लोगों ने बना सीखी। तो ये था जी थोड़ा सा रेफरेंस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज रेफरेंस वेरिएबल एंड हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। आज के लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा, दोबारा रिवाइज करता हूँ, व्हाट इज रेफरेंस वेरिएबल एंड हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अब आप लोग मुझे बता दें यहाँ से नहीं समझ आई, या मैं आप लोगों से कोई बात पूछ लूँ ताकि मुझे आगे चलूँ। सर यहाँ पे आपने कहा है कि भाई हमारे पास जो है वो फोर एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, तो वो पब्लिक भी बेसिकली यही है कि भाई वो हम लोग ने उसको थ्रू आउट द प्रोग्राम जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, तो फिर सर ये पब्लिक वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस होगा? ये देखें यहाँ पे भी आपने बगैर सक्सेस स्पेसिफायर जो है वो स्पेसिफाई किए बगैर आपने जो उसको पब्लिक में यूज़ किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन जी, ले जी इस क्वेश्चन का आंसर मैं डायरेक्टली दे देता हूँ, क्योंकि आपकी क्लास माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त क्लास है, आप लोग आज ही बता देता हूँ। मैं था कि अगले लेक्चर में बताऊँगा, लेकिन अभी बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस है। हमने टेबल है नहीं जी, ये टेबल है, हम लोग ये देखते हैं कि एक्सेस कहाँ कहाँ पर की करनी है पहले, फिर बाद में मॉडिफायर की बात करते हैं। सेम क्लास के अंदर किसी चीज़ को हम लोग एक्सेस करना चाह सकते हैं, हम कहाँ कहाँ पर एक्सेस करना चाह सकते हैं, सेम क्लास के अंदर, सेम पैकेज और सब क्लास के अंदर। पैकेज क्या चीज़ है, जैसे हम लोग सी प्लस प्लस के अंदर हम लोगों ने लाइब्रेरी पढ़ा हुआ था, जावा के अंदर पैकेज होता है, बहुत सी क्लासेस को एक फोल्डर में रखे, सादे फाज में बहुत सी क्लासेस को एक फोल्डर में रखकर हम लोग इनका एक पैकेज बना सकते हैं, ठीक है। सेम पैकेज और सब क्लास के अंदर हम लोग ये एक हमारी एक्सेस की ये किस्म हो सकती है कि हम सेम क्लास को हमारी सेम पैकेज हो और सब क्लास, पैकेज सेम हो और जो क्लास हो उसकी चाइल्ड क्लास हो, सेम पैकेज और नॉन सब क्लास। ऐसा हो सकता है कि मेरी एक क्लास एक पैकेज के अंदर पड़ी हो, मेरी उसकी चाइल्ड क्लास किसी दूसरे पैकेज में पड़ी हो, ऐसा भी हो सकता है। और डिफरेंट पैकेज सब क्लास, ऐसा हो सकता है कि बल्कि नीचे वाला ये है कि
पैकेज डिफरेंट हो और वो हो उसकी चाइल्ड क्लास, और डिफरेंट पैकेज और नॉन सब क्लास, ना वो क्लास उसकी चाइल्ड क्लास है ना वो उसके पैकेज के अंदर है। इन 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 सब एक्सेस के हवाले से किस किस स्पेसिफायर का क्या क्या बिहेवियर बनता है, प्राइवेट का क्या बनता है, नो मॉडिफायर जिसको मैं कह रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट या नो मॉडिफायर इसको कहते हैं, डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर या नो मॉडिफायर, और प्रोटेक्टेड का क्या बनता है, पब्लिक का क्या बनता है। सेम क्लास अब हमें नज़र आ रही है कि पूरी दुनिया में हर जगह पर एक्सेस हो जाती है, सेम क्लास पूरी दुनिया में हर जगह एक्सेस हो जाती है। अच्छा जी, सेम पैकेज के अंदर सब क्लास के अंदर अगर हम लोग देखें तो सिर्फ जो है ना हमारा जो प्राइवेट है, प्राइवेट कहीं भी इसके बाद एक्सेस नहीं होगा, सेम क्लास के अलावा इससे बाहर प्राइवेट जो हमारा वेरिएबल है वो कहीं पर भी एक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो बात बहुत ईजीली समझ आने वाली है। अच्छा, इसके बाद जो नो मॉडिफायर जिसकी मैं बात करूँ, ये नो मॉडिफायर है, ये किन को एक्सेस नहीं कर सकता, डिफरेंट पैकेज और सब क्लास। पैकेज जब बदल जाएगा तो फिर एक्सेस नहीं कर सकेगा, एक ही पैकेज के अंदर अपनी क्लास को भी और अपनी सब क्लास को भी, नॉन सब क्लास को भी इवन एक्सेस कर लेगा। और जो हमारा प्रोटेक्टेड है इसकी स्पेसिफिकेशन डिफ़ॉल्ट से भी ज़्यादा ब्रॉडर होती है, इसकी स्पेसिफिकेशन डिफ़ॉल्ट से भी ज़्यादा ब्रॉडर होती है, ये हर चीज़ को एक्सेस कर सकता है सिवाय किसी ऐसी ऐसी वेरिएबल को जो कि ना मेरे मेरी क्लास के अंदर हो, ना मेरे सब क्लास के अंदर हो, ना मेरे पैकेज के अंदर, ठीक है। उसके अलावा हर चीज़ को जो एक्सेस कर सकता है प्रोटेक्टेड, ठीक है। जबकि जो मेरा डिफ़ॉल्ट है, दोबारा बोलता हूँ डिफ़ॉल्ट है, वो भी बाकी हर चीज़ को एक्सेस कर सकता है, लेकिन सिर्फ अगर मेरी डिफरेंट पैकेज और सब क्लास, अगर मेरी है ना डिफरेंट पैकेज के अंदर कोई क्लास पड़ी हो, चाहे वो मैं सब क्लास हो, उसको एक्सेस नहीं कर सकता डिफ़ॉल्ट वाला, ठीक है। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ ये जो है ना इसे सेम पैकेज के अंदर पड़ी है क्लासेस के बारे में, अभी जब मैं बात कर रहा हूँ ये दोनों क्लासेस, अब तो खैर मैं वैसे ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली करना चाहूँ तो ये दोनों क्लासेस जो है ना ये सेम पैकेज के अंदर पड़ी है। पैकेज आप लोग देखते हैं BS18 के अंदर पड़ी है, इस वजह से ये डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर इसके अंदर एक्सेस हो सकता है। ये समझ आई या फिर सीख गई? सर मुझे लगता है हम इनहेरिटेंस वाला काम करेंगे ना सर, फिर हमें इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। इसीलिए मैं चाहता कि अभी वो ना किया जाए। बच्ची ने क्वेश्चन पूछा तो मैंने कहा बता देता हूँ, हालांकि फ़ायदा उसका इसके बाद था। खैर चलें जी, कहीं जा रहा जी सर, जब पब्लिक या नो मॉडिफायर है तो उसमें हम एक की मतलब वो जो वेरिएबल्स हैं उनको सेम पैकेज में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एक ही फाइल में, एक ही पैकेज है उसमें एक ही फाइल में सब क्लासेस बनाई हैं तो हम उन क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने उसी सेम पैकेज में हमने जो है डिफरेंट फाइल्स बना के उसमें प्रोग्राम किए हैं तो हम उनमें भी एक्सेस कर सकेंगे। बिल्कुल, उसमें भी एक्सेस, सोर्स फाइल का कोई इशू नहीं, सोर्स फाइल दूसरी में भी एक्सेस इशू हो जाएगा। यानी अगर पैकेज सेम है तो फिर हम वो, अगर पब्लिक है या जो है नो मॉडिफायर है तो फिर उसमें कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं BS18 के अंदर कोई क्लास बनी थी, BS18 इस क्लास को अगर मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँ, अभी आपकी बात बता रही है, हालांकि ये उस सोर्स फाइल में नहीं है, इस सोर्स फाइल के अंदर वो क्लास मौजूद नहीं है, क्योंकि सोर्स फाइल कहीं और है। ये आप देख सकते हैं कि ये इस सोर्स फाइल में नहीं थी, ये क्लास इस सोर्स फाइल में नहीं थी, इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के जरिए मैं इसके उन वेरिएबल्स को मैं एक्सेस कर लेता हूँ जो कि डिफ़ॉल्ट है, लेट्स सो इसके अंदर वेरिएबल था ए, सॉरी ये वेरिएबल तो मेन के अंदर था, उसका अपना वेरिएबल था नहीं, इसके अंदर कोई वेरिएबल होता तो मैं उसके एक्सेस कर सकता, मैं इसके अंदर बना देता हूँ एक वेरिएबल। वेरिएबल बना दिया नाम, वो तो एक ही तो मेन के अंदर लिखा था ना, उसका इस क्लास का वेरिएबल तो नहीं था, ये एक्सेस हो गया। ओके ओके, ये आपकी बात क्लियर होगी। मेरे पास डिफरेंट एक पैकेज है
सॉरी मेरे पास सेम पैकेज है, उसके अंदर क्लास से अलग से सोर्स फाइल के अंदर लिखी है, उसके वेरिएबल को भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ जब तक वो प्राइवेट नहीं हो जाता, चाहे वो डिफॉल्ट हो, चाहे वो प्रोटेक्टेड हो, चाहे वो पब्लिक हो, मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। बात थोड़ी लंबी होगी मॉडिफाई जो एक्सेस मॉडिफिकेशन की, जो बच्चे जरा इसमें इंटरेस्ट नहीं दे रहे, वो बोर हो रहे होंगे, आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, वेल ये मैं ऐसे ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, इस बात की समझ है कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस बात की जिसको समझ आ गई वो जरा मुझे खुद से वॉलंटियरली कोई बच्चा एक्सप्लेन कर दे कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। आवाज आ रही है? हाँ जी, रोल नंबर 70 रुबाब हसन, मेरी आवाज आ रही है? तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के पहले जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक, मेमोरी लोकेट करने से पहले जो उसमें एक रेफरेंस वेरिएबल जो है वो क्रिएट किया जाता है जो कि रेफर कर रहा होता है। शाबाश, ओके, ठीक है। अच्छा ठीक है, शाबाश, ठीक है। अच्छा एक बात और बतानी थी कि इसको एक लाइन पर भी लिखा जा सकता है, आइंदा से आप ये प्रैक्टिस करेंगे कि इसको एक ही लाइन पर लिख लिया करेंगे। ये भी समझ आ रही है बात, मैंने पहले इसको लहदा लहदा लिखा लेकिन ऐसे भी किया जा सके, उधर ही रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करूँ, उधर ही इसका ऑब्जेक्ट बना दूँ, ये बात भी ओके होगी। आगे चलते हैं जी, फंक्शन मेथड इंस्टेंस वेरिएबल्स के हवाले से ये बात थी। इंस्टेंस वेरिएबल समझ आ गए क्या, क्लास लेवल के जो वेरिएबल थे दैट इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस एक ही सेंस में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी एक इंस्टेंस बनेगा या जब भी एक ऑब्जेक्ट नया बनेगा तो ये वेरिएबल मेमोरी के अंदर आ जाएंगे, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। ये ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, जैसे मैं नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो ये वेरिएबल मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं, इसको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं या क्लास लेवल वेरिएबल कहते हैं। अच्छा जी, अब अगली बात मेथड्स, सेम वही चीज़ जो सी प्लस प्लस के अंदर हम लोग जिसको फंक्शन कहते थे इसको हम लोग मेथड कहते हैं। वाइड कोई फर्क नहीं इसमें सी प्लस प्लस में, और इसमें मेथड के दो पार्ट होते हैं, एक इसका फंक्शन होता है और एक इसकी एक इसका सिग्नेचर होता है, एक इसकी बॉडी होती है। सिग्नेचर के आगे से मजीद तीन पार्ट होते हैं, इसकी रिटर्न टाइप, इसके पैरामीटर लिस्ट, इसका नेम और इसकी पैरामीटर लिस्ट। एक और चौथी चीज़ हो सकती है लेकिन वो अभी आप लोगों ने नहीं पढ़नी, दैट इज एक्सेप्शन, खैर वो आप लोगों ने पढ़नी है मे बी अगले वीक तक उसकी बारी है। अच्छा जी, मेथड सिस्टम लॉट आउट, अब करना यह है कि मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए हुए, एक बी और एक बी वन। बी के लिए हाइट और विड्थ और लेंथ मैंने सेट कर दिया 223 और 5। बी वन के लिए भी हाइट विड्थ और लेंथ सेट कर लूँगा,
आप लोग शायद बोर हो रहे होंगे कि ये पुरानी बातें करें। ऊप के कॉन्सेप्ट स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप लोग जब इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे, टीचिंग, इवन टीचिंग में जाएँ या किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, किसी भी जगह पर जाएंगे तो आप लोग ऊप के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। हम लोग, हमारे पास जो बच्चे आते हैं विजिटिंग का एंट्री देने, उसके लिए उनसे हम लोग मैथ तो नहीं अभी जैसे होते हैं, मतलब फिर विजिटिंग को, लेकिन जो बाकी आपके टीचर हैं उनसे ऊप के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। ऐसी इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर मैं खुद एक्सपीरियंस कर बैठा हूँ इंटरव्यू देने का, कि ऊप के क्वेश्चन जो है ना, बड़े सीनियर्स आप पोस्ट पे भेज जाएंगे फिर भी ऊप के जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग के बेसिक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। हाँ जी, आउटपुट क्या आएगी इस प्रोग्राम को रन करूँ तो क्या आउटपुट आएगी? एटीन बैच का रोल नंबर 6, क्या नाम है? रोल नंबर 6 18 बैच। यस सर। क्या नाम है आपका? सर मरियम। मरियम, अच्छा मरियम, आउटपुट क्या आएगी इस प्रोग्राम की? सर जो बी की विथ लेंथ और हाइट है ना वो डिस्प्ले होगी। क्या 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 है? 23 और 5। आप लोगों की हेल्प के लिए बता दूंगा, आप लोग जब मुझे भेजते हैं तो जब आप इस तरीके से भेजते हैं स्क्रीनशॉट, ये जी हाँ, एक में से गलती हो गई है जी, क्या बात, गलत आ गया। लेंथ 23, लेंथ ठीक है, ठीक है, वो हाइट हाइट कल तो होगी, अच्छा हमें वहाँ कर दीजिए दिखने में, हाँ हाइट ठीक है, शाबाश जी। आप लोग जब मुझे प्रोग्राम भेजते हैं तो ये जो नज़र आ रहा है स्क्रीन पर आप लोग अंदर से आप लोगों ने केयर करनी है, ये सी यूजर्स एफ एफ टी मेरे कंप्यूटर का नाम है, मैंने देखा है, मैं फिर नाम नहीं लेना चाहता कि कौन से ग्रुप है कौन से ग्रुप है, उसमें सब ने एक ही जैसा कंप्यूटर का नाम था ना, ए सी सी एम करके सर का नाम, तो एक ही बच्चे ने प्रोग्राम बनाया था, सब ने उससे वो उस जैसे प्रोग्राम ही थी, तो वो काइंडली ज़रा आइंदा से केयर कर लें। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई, ओके हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल भी हो गए और मेथड भी हमें हो गया, अब हम आने लगे हैं कंस्ट्रक्टर की तरफ। कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ होती है, बड़ी दफा स्टोरियाँ सुन के अब आप लोग सुनाए, कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये कौन बताएगा? सर गार्बेज वैल्यू से बचने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू से इनिशियलाइज कराने के लिए, वेरी गुड। अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर ना बनाए तो, अच्छा आधा आधा फिक्र बोलता हूँ आप लोग मुकम्मल कर दिए, अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर ना बनाए तो जावा का जो कंपाइलर है वो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप बोले शब्द बोलते हैं, बोलते हैं कोई भी एक बच्चा बोलते हैं, मैं नाम देता हूँ समरा बेटा, आप बोलती थी ताकि सारी क्लास एक बात, कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप होती है कि नहीं होती, बताएं क्या होती है? नहीं होती सर, नहीं होती सर, कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होती, ये बात होगी, ठीक है जी। कंस्ट्रक्टर का नेम सेम क्या होता है? शाबाश शाबाश, कंस्ट्रक्टर का नेम सेम क्लास का नाम, वेरी गुड हो गया, अच्छा जी। उसके बाद कंस्ट्रक्टर के इंटरेट आप नहीं होते, कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये भी आप भी हो सकते हैं, शाबाश, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों ऑप्शन है। दूसरी बात, आखिरी बात, कंस्ट्रक्टर काल कब होता है? सर क्या पूछा आपने? कंस्ट्रक्टर काल कब होता है? जब मेरा ऑब्जेक्ट, जब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जब मैं ऑब्जेक्ट
काल होता है, शाबाश। ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर तो हम लोग बाकायदा इसको काल इसे करते हैं इस तरह से, इस सेंस में कि जैसे फंक्शन मेथड काल होते हैं ऐसे इसके अंदर हम लोग हमारा ना भी अपना कंस्ट्रक्टर बनाया तो मैंने न्यू करके आगे बुक के साथ पैरामीटर वाइज इस सेंस में लिखा है। तो मतलब उस वक्त काल होता है जिस वक्त हम हमारा प्रोग्राम हम लोग जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये सारी कंस्ट्रक्टर के बारे में बातें आप लोगों को सारी ऑलरेडी पता ही है। एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं? यस सर, हो सकते हैं। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, इसके अंदर मैं वैल्यू सेट करती हूँ। कंस्ट्रक्टर बुक का ये वाला बन गया। अब मैं सर जी सर मीटिंग से कोई बार बार रिमूव कर रहे हैं। चलो उम्मीद है। अच्छा जी, कहाँ पर पूछा होगा हमारा जी? हाँ, इसको मैं अपने कम कर दूँ। कमर सेम वही होते हैं जैसे सी प्लस प्लस के। अच्छा जी, बी या डॉट मैंने डिस्प्ले किया, आउटपुट क्या आएगी? हाँ, आउटपुट क्या आएगी? हाँ, बॉयज साइड में से कोई बच्चा, मैं किसी लड़के की आवाज़ नहीं आ रही थी बस जब से मैं क्लास में शुरू की। हाँ जी, हसन आप बोल रहे हैं, आपके सीनियर बॉयज में से कोई जी वो है सी आर आप लोग का वाहिद जाहिद? यस सर, फिर क्वेश्चन बोलता हूँ। क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? बहुत सिंपल, आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आउटपुट क्या आएगी, इस प्रोग्राम के आउटपुट क्या है। प्रोग्राम दोबारा देखिए, इस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने तीन वेरिएबल सर, इसकी गार्बेज वैल्यू आएगी सर, आपने उसको वो हाइड कर दिया। इस बात सर नहीं, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है ना सर, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो इसके वैल्यू 10 10 आएगी सर। तो आप ये कौन सा बच्चा बोल, क्या नाम है आपका, नाम बता दें सर? मोहम्मद बिलाल। बिलाल आप किस सेक्शन के हैं? बी सेक्शन को। वेरी गुड, मुझे समझ आ गया जी, अच्छे बच्चों वाली बात। 10 10 10 आएगी, मेरा भी ये ख्याल है कि 10 10 बन आएगा। और बिलाल की बात बिल्कुल सही था, शाबाश बिलाल, गुड हो गया। अच्छा जी, एक तो ये कंस्ट्रक्टर बन गया नो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, अब मैं अगले बना लूँगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैसा कुछ भी, ये बहुत ईजी लेक्चर था आज का, अगर आप लोगों को ऊँप आती है तो सिलेक्शन आज कुछ था ही, कोई नई चीज़ कुछ भी नहीं सीखी हमने। इंटर क्या कर लें, इवन के लिए जो कंस्ट्रक्टर बना जाए उसके अंदर मैं वैल्यू अपने पास मर्जी से रखूँगा। इनका मैं डिस्प्ले कर अब क्या वैल्यू करें जी बताएगा, हाथ खड़ा करें कौन बताएगा, आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट क्या आएगी हाथ खड़ा करके बता दें, कौन बताना चाहते हैं? कोई बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहता है कि आउटपुट क्या आएगी, हाथ खड़ा कर दें, खुद से पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, आवाज़ नहीं आ रही जी। रोल नंबर 17, क्या नाम है आपका? सर जुनैद।
जुनेद आसिम। जुनेद जुनेद आसिम आउटपुट क्या आएगी इसके बारे में? सर 20, 40, 60 ओके। ये हो गया हमारा आज का प्रोग्राम और उसके बाद कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने पढ़ लिए और क्या पढ़ना था सर मेथड्स पढ़ लिए कंस्ट्रक्टर भी पढ़ते जहाँ टाइम है तो भी पढ़ लिया सर ये सारा काम तो वाला और C++ में जो दिया था वही है वही कह रहा हूँ इसमें कोई भी नई चीज़ इसमें जैसे आज का लेक्चर में सारी वो चीज़ें जैसे आप लोगों को जस्ट एक टाइम मिला है थोड़ा सा कुछ बच्चे अभी भी पीछे हों जो होंगे अभी तक नए सिरे से जावा के इंस्टॉलेशन वगैरह कर रहे हैं उनके लिए एक समय का टाइम मिल गया आज के बस इतना गया जो बच्चे ऑलरेडी यहाँ तक पहुँच गए उनके लिए तो आज के लेक्चर में कुछ नया नहीं हमने सीखा बस ये न्यू का कीवर्ड सीखे मैक्सिमम वो कंस्ट्रक्टर इवन ओवर लोडिंग खुद ही हम लोगों ने सीख ली। अब हमारे पास अगली चीज़ यही रह जाती है कि हम हाँ एक दो चीज़ें और डिस पॉइंटर वो भी आल्दो के सी प्लस प्लस में था पॉइंटर क्या होता है जी डिस पॉइंटर होता है अपने ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं एग्जांपल इसका नाम मैं लेंथ रख देता यहाँ पर लेंथ रख देता तो ये आगे आ जाता लेंथ तो उसको इसमें एरर तो नहीं है लेकिन उसको समझ नहीं आया कि किस लेंथ को किस लेंथ के बराबर रखें ऐसी है ना किस लेंथ को किस लेंथ के बराबर रखें एक लेंथ ये है जो कि इसका पैरामीटर है इस कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर है और एक लेंथ वो है जो कि इसका इंस्टेंस वेरिएबल है उसको इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग कहते हैं दिस का कीवर्ड यूज़ करते हैं दिस बेसिकली दिस इज़ यूज टू पॉइंट इट्स ओन ऑब्जेक्ट अपनी अपने अपने ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए अपने ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल्स को या आगे जाकर समटाइम मेथड्स को भी है ना रेफर करने के लिए इस्तेमाल होता है तो दिस डॉट लेंथ आप इसे समझ आ जाएगी कि मैं किस लेंथ को किस लेंथ के बराबर रखना चाह रहा हूँ जो लेंथ पैरामीटर के अंदर भेजी गई है ये लेंथ जाएगी मेरे पास वो जो इंस्टेंस वेरिएबल है इसके अंदर जो मैं पहले काम कर रहा था तो दिस पॉइंटर हम लोग ने पढ़ लिया दिस पॉइंटर क्या है जी दिस पॉइंटर इज यूज टू रेफर इट्स ओन ऑब्जेक्ट यूज टू रेफर इट्स ओन ऑब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए दिस का पॉइंटर इस्तेमाल होता है दिस पॉइंटर भी हम लोगों ने पढ़ लिया और क्या चीज़ें इसके अंदर हाँ कंस्ट्रक्टर मेथड्स की रिटर्न टाइप देख लेते हैं अगर कोई मेथड हमारे पास ऐसा हो जो कुछ रिटर्न करना चाहता हो तो ये कैसे करें मतलब जी कोई ऐसी कुछ भी इसमें नहीं है कि जो कि आप लोग कहें कि हमें नहीं आता तो पहले हम लोग पढ़ के नहीं आए एक मैथड जो हम लोगों ने बनाया है डिस्प्ले का हम लोग एक एरिया का मैथड बना लेते हैं ये भी इजी है एरिया के मैथड को कैश कर लेते हैं इसके अंदर डायरेक्टली प्रिंट करा देते हैं अब क्या आउटपुट आएगी डिस्प्ले को नहीं कराता आउटपुट क्या आएगी 10 अरब 20 अरब 40 जो भी 10 अरब 20 अरब 40 अरब 60 जो भी है तो उसको इसकी वैल्यू आ जाएगी ठीक हो गया 48,000 इसकी वैल्यू आ गई ऐसे पैरामीटर भी पास हो जाते हैं ला सब कुछ जी ये आप लोगों का आज का लेक्चर था और आज के लेक्चर में हम लोगों ने अब आप लोगों का क्विज होगा चैप्टर 2 से 6 तक कमिंग मंडे को ठीक है कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग आगे देखेंगे इनहेरिटेंस को देख लेंगे इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस होता है सी प्लस प्लस में कोशिश करूँगा कि कल अगर क्योंकि दोनों का अलग लेक्चर होना है तो मैं इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म में दोनों जो है ना करवा दूँ कल के लेक्चर पर इनहेरिटेंस के अंदर भी कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं डिफरेंट टॉपिक्स में ठीक है जी ओके पूरी ठीक है सर सर मैं जब असाइनमेंट कर रही थी ना तो फ्लोट डाटा टाइप के साथ एरर आ रहा था फ्लोट जब भी यूज़ करती थी ना तो एरर शो होता था फिर मैंने डबल के साथ किया था फ्लोट क्यों नहीं यूज़ हो रहा सर क्योंकि फ्लोट का जो आप लिटरल डालती थी उसके साथ एफ नीचे डालती फ्लोट लिटरल के अंदर एफ होता है साथ पहले दिन की बात है ये बात आपको स्क्रीन पर दिखा देती आपका ये एरर आ रहा होगा और फ्लोट आपने किया
ये एरर आ रहा था, है ना, ऐसे ही है ना? यस सर। आप ये कर देती यार, ख़त्म हो जाता साथ एस कीवर्ड, एस कीवर्ड तो कह देंगे कैस्ट पहले, हाँ कीवर्ड नहीं है ये, फ्लोट लिख कर देख, खैर एफ डाल दे तो ये ख़त्म हो जाता है। तो इसका बेहतर तरीका ये डबल से किया जाए। जी और कोई क्वेरी? ओके ठीक है जी, आप लोग बाकी पूछते रहिएगा फीस वगैरह के वाले से भी, मैं आप लोग को मेल कर दूँ। प्रैक्टिस असाइनमेंट कौन बच्चा कहता है कि अगर मैं इस वीक के लिए आप लोगों को 30 प्रोग्राम जॉइन कर दूँ देने के लिए, तो हम कर लेंगे 25 से 30 के लिए। हाथ खड़े करें, मैं अपना हाथ खड़ा करता हूँ। मुझे तो अगर मिले तो मुझे तो वैसे जावा से, मतलब जावा से काम करना मेरा फेवरेट मुश्किल है। एक से मेरा हाथ खड़ा है, बहुत से हाथ खड़े हुए। शाबाश, वेरी 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 वेरी, ठीक है ना? इसी स्पीड के साथ आप लोग बोलते, इसी स्पीड के साथ आप लोगों ने करते जाना, इंशाल्लाह आप लोग तो खुद इंटरेस्ट पैदा हो जाएगी, आप खुद कहेंगे सर मैं वो काम बताएंगे क्या करेंगे सर, ठीक है जी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल विद न्यू लेक्चर। उसके बाद कुछ नहीं तो आप लोग व्हाट्सएप भी, आज के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर।